नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। एमपी के शहडोल की एक बार फिर जमकर तारीफ हो रही है। तारीफ एमपी में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की पबजी गेम खेलने के दौरान शहडोल के एक युवक से संपर्क हुआ और युवक नाबालिग को शहडोल ले आया, जिसे सोहागपुर पुलिस ने उस बिछड़ी नाबालिग लड़की को उनके परिजनों से मिलाकर एक मिसाल पेश की है। सोहागपुर पुलिस के इस सराहनीय कार्य की हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। तो वहीं बिछड़ी बच्ची को पाने के दौरान परिजन एमपी के शहडोल पुलिस का तारीफ करते नहीं थक रही है। पश्चिम बंगाल के देवीपुर 24 बरना की रहने वाली एक नाबालिग लड़की पबजी गेम खेलने के दौरान शहडोल के शिवा नामक युवक से संपर्क हुआ और लड़की शिवा के साथ शहडोल चली गई। लड़की के लापता होने से परेशान परिजन मामले की शिकायत वहां लिखाई थी और नाबालिग की तलाश में यहां वहां ढूंढते रहे। तभी सोहागपुर पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो सोहागपुर पुलिस ने नाबालिग को दस्तियाब कर उनके परिजनों के हवाले कर दिया। सोहागपुर पुलिस ने उस बिछड़ी नाबालिग लड़की को उनके परिजनों से मिलाकर एक मिसाल पेश की है। सोहागपुर पुलिस के सराहनीय कार्य की हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। तो वहीं बिछड़ी बच्ची को पाने के दौरान परिजन एमपी के शहडोल पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रही। टीआई अनिल पटेल, सहायक उप निरीक्षक रजनीश तिवारी, प्रधान आरक्षक साफ खान, मनोज शुक्ला, राम निवास पांडे, आरक्षक पवन सिंह परिहार की मदद से कोसों दूर आई माँ की बिछड़ी माँ से मिल सकी। नमस्ते, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरा बेटी घूम गई थी 10 तारीख को, 10 तारीख शनिवार को यहाँ एक लड़का लेके भाग आई थी। फिर इधर थाने से संपर्क किया शहडोल थाने से, तो यह थाने का बहुत बहुत ज़्यादा मदद किया। मेरा बेटी को अच्छा से घर ले जा रही हूँ। इन्होंने, ये सर ने बहुत मदद किया, ऑफिसर लोग टिकट भी करवा दे रहे, खाना भी खिला रहे और बेटी को बहुत अच्छा से, मतलब ये लोग केस को लाके घर से उठा ला के मेरे हवाले कर दिया। बच्ची घूमी थी 10 तारीख को शनिवार शाम को, इनसे संपर्क किया, वो लड़का का आधार कार्ड मिला था, उससे गूगल सर्च करके यहाँ का थाने का नंबर मिला था। फिर थाने को जब फोन किया, इन्होंने बहुत अच्छा से हमको समझाया, लेके आया, फिर बेटी को मेरे हवाले किया। सोहागपुर पुलिस ने एक नाबालिग को दस्तयाब किया है, क्या मामला है? ये देवीपुर 24 परना जिला पश्चिम बंगाल की वो रहने वाली है और वो यहाँ पे एक शिवा बैगा जो यहाँ का रहने वाला है, अमर पैलेस के पीछे रहता है, पबजी खेलते खेलते उससे कांटेक्ट हो गया और उसमें वो लड़की यहाँ आ गई थी। तो उसके घर वाले काफ़ी परेशान थे, जो वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखाई थी और वहाँ किसी तरीके से वो कांटेक्ट में हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से आई। तो थाना सोहागपुर के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी, जिसमें रजनीश तिवारी और सैफ और अन्य लोगों ने अच्छे से उसको साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करके और उसको उस मामले को ट्रेस किया और आज लड़की को दस्तयाब करके उसकी माँ के हवाले कर दिया गया है। और फिर पुलिस ने बड़े संवेदनशीलता के साथ में उसको रेलवे स्टेशन पहुंचा करके गंतव्य स्थल के रवाना कर दिया। सर, लड़की नाबालिग है कि बालिग है? 18 वर्ष वो उम्र बताई है उसमें कि 18 वर्ष मेरी उम्र है और वहाँ पे गुम इंसान दिखाया गया था जो जिला 24 परगना के रहने वाली है, पश्चिम बंगाल स्टेट की है, वो 18 साल उम्र बताई।